ये तो बात हो गया डिसइंटरमीडिएशन के बारे में। अभी टॉपिक नंबर 5 में हम लोग समझेंगे कि एपीआई क्या होता है। तो बेसिकली एपीआई को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने समझाता हूं। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो बेसिकली अगर आपने कभी रैपिडो बुक की है तो आपको रैपिडो के ऊपर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट के ऑप्शन देखने को मिलते होंगे। जैसे आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, फ्रीचार्ज से पेमेंट कर सकते हैं, मोबीक्विक से पेमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल एपीआई इंटीग्रेशन। बेसिकली एपीआई आपको एक तरीके का टूल होता है, एक कोडिंग सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट एप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली रेजर पे जो है उसका पेमेंट गेटवे रैपिडो यूज करता है और रेजर पे का एपीआई रैपिडो अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर देता है इतने सारे वॉलेट के साथ। तो इतने सारे वॉलेट से ट्रांजेक्शन आती है रेजर पे के अंदर और रेजर पे से डायरेक्टली कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है पैसा। तो जो एंड यूजर है वो हमेशा ऐप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एप्स के एपीआई रहता है और वहां से पूरा फंक्शन होता रहता है। इवन जो गूगल मैप है, जो चाहे ओला के अंदर हो, उबर के अंदर हो, जितने भी बाइक टैक्सी कंपनी के अंदर हो, बेसिकली गूगल मैप इज अ काइंड ऑफ एपीआई इंटीग्रेशन इन दोज ऐप। तो एपीआई इंटीग्रेशन पैसा कैसे कमाते हैं, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिकली अगर एपीआई के बिजनेस मॉडल को मैं आपको समझाऊं तो एपीआई यू नो फ्री में भी दे सकती हैं काफी कंपनीज और काफी कंपनीज उस चीज का चार्ज भी करती हैं। फ्री में जैसे मैंने बताया गूगल मैप है, गूगल असिस्टेंट है और भी जो टूल्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, ये फ्री एपीआई होते हैं, कोई भी इनको यूज कर सकता है। दीज आर ओपन सोर्स एपीआई, जैसे वेदर का एपीआई हो गया, दीज आर ओपन सोर्स एपीआई। उसके बाद आता है जहां पर डेवलपर एपीआई वालों को पे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो आप शॉपिफाई को यूज करते हैं। Shopify is a प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। तो Shopify पे आपको एपीआई मिल जाते हैं Shopify की तरफ से, जिसको आप अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली दिल चार्ज यू फॉर दैट एंड Shopify itself इज अ फॉर्म ऑफ एपीआई जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर यू नो इंटीग्रेट होता है। उसके बाद है Amazon वेब सर्वर जो कि पे एज यू गो काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है। तो एपीआई के इतने इतने टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। सो पे एज यू गो मतलब Amazon वेब सर्वर बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका जो भी वेबसाइट है, जो भी डेटा है, जितने भी आपके ऑलमोस्ट वेब यू नो मोबाइल एप्स होती हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, वो सब Amazon वेब सर्वर पे होस्ट होते हैं। तो जितना ज्यादा यू नो बैंडविड्थ आप कंज्यूम करेंगे उतने ज्यादा पैसे आप देंगे Amazon को। तो बेसिकली पे एज यू गो जितना बैंडविड्थ यूज करोगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे Amazon को उसके वेब सर्वर के लिए। फिर आता है पॉइंट बेस्ड काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल जिसके अंदर बेसिकली आप यू नो पर क्लिक के हिसाब से किसी यू नो प्लेटफॉर्म को पे करते हैं। जैसे गूगल एड, जितना आपका ट्रैफिक लेके आएगा वेबसाइट पे उस हिसाब से आप पे करेंगे कि अगर एक पर्सन मेरी वेबसाइट पे आया तो 1% का कॉस्ट पर क्लिक हो गया, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, तो उस हिसाब से गूगल को पे करना पड़ता है। दूसरा होता है ट्रांजेक्शनल फीस। एंड ट्रांजेक्शनल फीस इन दी एग्जाम्पल कि आप जितनी बार ट्रांजेक्शन करेंगे उस पूरी ट्रांजेक्शन का कुछ 1% या 0.5% चार्ज करेंगे एपीआई। बेसिकली रैपिडो पे, ओला पे, ओला पे यूज करता है, रैपिडो रेजर पे यूज करता है, पेपाल एंड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, दे ऑलवेज चार्ज 1% ऑफ योर ट्रांजेक्शनल फीस। सो बेसिकली रैपिडो के अंदर या फिर ओला के अंदर जो एपीआई इंटीग्रेट हो रखे हैं पेमेंट गेटवे के, वो बोलते हैं कि जो भी पेमेंट आएगी उसका 1% हम चार्ज करेंगे और 99% आपको ट्रांसफर कर देंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल एपीआई के, कौन कौन से टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। नाउ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो रेजर पे का जो पेमेंट गेटवे है जो कि एक एपीआई बिजनेस मॉडल पे काम करता है, वो काम कैसे करता है। तो बेसिकली रैपिडो से किसी कस्टमर ने पेमेंट की 70 रुपए की, तो 70 रुपए की पेमेंट रैपिडो से की तो रेजर पे के डैशबोर्ड में आ गई। रेजर पे उसका 1% चार्ज करेगा और 99% रेजर पे के डैशबोर्ड में शो होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली कंपनी का सारा पैसा रेजर पे के डैशबोर्ड पे आ रहा है एंड वहां से यू नो इतना इजी इंटीग्रेशन होता है, इतनी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है कि कंपनी उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकती है, डायरेक्टली वहां से एम्प्लॉय की पेमेंट कर सकती है, एम्प्लॉय की सैलरी दे सकती है, कोई अगर लोन लिया हुआ है तो लोन का डिसबर्समेंट कर सकता है, जो भी वेंडर हैं, ड्राइवर हैं, उनकी पेमेंट कर सकती है कंपनी। तो इतने फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एपीआई से कि रेजर पे के डैशबोर्ड के अंदर से ही आप सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे सकते हो, सारे ड्राइवर की सैलरी दे सकते हो, जितना भी आपने लोन लिया है उसको डिसबर्समेंट कर सकते हो और बहुत सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आर गिवन बाय रेजर पे पेमेंट गेटवे बेसिकली उनके डैशबोर्ड के अंदर।